नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। संत शिरोमणि कबीर जयंती जिला स्तरीय समारोह आयोजित पंचायत भवन में किया गया समारोह का आयोजन। हिसार से विधायक व पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कमल गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए लगाई प्रदर्शनी। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कबीर जयंती पर दी बधाई। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में जाने। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि जन्मदिवस व पुण्यतिथि मनाने से युवाओं को महापुरुषों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप पर बोले कमल गुप्ता, विपक्ष को नहीं पता महापुरुषों की जीवनी का महत्व। आप देख रहे हैं सिरसा पलपल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। आज संत शिरोमणि कबीर जयंती समारोह आज जिला स्तर पर पंचायत भवन में आयोजित किया गया। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के प्रदर्शनी लगाई गई। डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपने संदेश में कबीर जयंती की बधाई दी और साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी विचार रखे। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की जयंतियाँ और पुण्यतिथि मनाने का उद्देश्य केवल युवाओं को देश के गौरवशाली इतिहास से अवगत करवाना है। इससे युवा पीढ़ी को महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है। डॉक्टर गुप्ता ने जयंती और पुण्यतिथि इत्यादि के समारोह होने वाले भ्रष्टाचार के आरोप से नकारते हुए विपक्ष पर हमला बोला। विधायक ने कहा कि वास्तव में विपक्ष के नेता महापुरुषों के जीवन दर्शन से परिचित नहीं है, केवल ओछी राजनीति करने के लिए इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने देश के अज्ञात और ज्ञात महापुरुषों को नमन करते हुए कहा कि भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और वंदनीय है। जन जन को इसके बारे में महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। जी कभी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत वंदे मातरम। सभी से निवेदन अपने अपने स्थान पर। कमल गुप्ता जी पूर्व CPS हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका यहाँ पहुंचने में मार्केट कमेटी रानिया श्री शीशपाल कंबोज जी भी हमारे। हरियाणा सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश और खासकर सिरसा के ज़िले के लोगों को कबीर जयंती पर बधाई देता हूं। और हमारा ये मानना है कि जितने हमारे महापुरुष हुए, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है और जो बहुत महान महान व्यक्ति संत कवि और विभिन्न समय पर उन्होंने उस समय की कुरीतियों को देखकर और अलग अलग तरह के किसी ने दोहे बनाए तो किसी ने अपने रिवाज बनाए और उससे वो कुरीतियाँ दूर करने का प्रयास किया। हमारा ये अभिप्राय है कि हमारे आगे आने वाली संतानें अपने गौरवशाली इतिहास को जानें, उनको पता लगे कि उनके पूर्वज किस तरह के लोग थे। यदि हम ये जन्मदिवस और ये पुण्यतिथियाँ नहीं मनाएंगे तो हमारे बच्चों को ये जानकारी मिलना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम ये मना रहे हैं और मैं सबको फिर से बधाई देता हूँ। हाँ, विपक्ष को क्या पता कि गौरवशाली इतिहास किसको कहते हैं। पूर्वजों की जो ये स्थली है उनको याद करना, अगर उनको ये लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का हो नहीं सकता।